गहराइयाँ, डीप। यस, आज हम गहराइयाँ मूवी जो अभी अभी अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है उसके बारे में बात करेंगे। एंड लाइक आई सेड, डीप मूवी काफ़ी डीप है। वेल हाय गाइस, दिस इज़ पायल एंड यू आर वाचिंग फिल्मी पंचायत। दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अनन्या पांडे एंड धैर्य करवा। प्रोमो इतना अमेजिंग था, इतना क्यूट था दैट यू नो आई वॉज लाइक वेटिंग बिकॉज आई ऑनेस्टली लव लव। तो मुझे कोई भी लव स्टोरी देखने का मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। एंड वेल, दीपिका पादुकोण लुक्स सो अमेजिंग और प्रोमो इतना अच्छा था। सो देन फाइनली लास्ट नाइट आई काइंड ऑफ सॉ दिस मूवी और वेल, काफ़ी डीप है। एंड इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। यस, शी फॉल्स फॉर कजिन्स फियोंसे। ओ गॉड, नो। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन दिस मूवी। एंड वेल, आगे जितना सिंपल दिखता है, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। वेल, सबको पता चलेगा या किसी को पता नहीं चलेगा इसके बारे में? वेल, दैट इज़ द यू नो द ट्विस्ट एंड टर्न एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी विच आई विल नॉट टेल यू। वेल, रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स पे ये स्टोरी है। और वेल, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग मोर अबाउट द मूवी, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो तो प्लीज़ रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, हमारे शो पे हम ज़रूर शेयर करेंगे। वेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी तो दिया ही है, तो आप कुछ छोटा सा रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना दैट फ़ोन शुड बी इन द लैंडस्केप एंड वेल, यू माइट अर्न सम कैश मनी। यस, इफ़ योर स्टोरी इज़ रियली रियली गुड। यस, तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, आप लिख के भी भेज सकते हो या कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स लाइफ में होती है और अजीब चीज़ें होती है। सो अगर ऐसी कोई अजीब लव स्टोरी आपके साथ हुई है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमिंग बैक टू द स्टोरी, यस, सो दीपिका पादुकोण, वेल शी इज़ द मेन लीड एंड सिद्धार्थ, वेल जो हमने उन्हें देखा था गली बॉय में, इस मूवी में उनका रोल बहुत ही अलग है। इसमें मतलब यू नो इन दैट मूवी ही वॉज लाइक द स्टार्ड एंड यू नो फुल ऑफ एनर्जी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, बट इस फिल्म में वो बहुत ही काम, कंपोज्ड एंड यू नो दैट मेच्योर गुड लुकिंग बिजनेस मैन सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। जेन है उसका नाम और वेल, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे, मुझे बहुत मज़ा आया उन्हें देखने में और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। वेल, इन द फर्स्ट हाफ ऐसा लगता है जैसे वो दो ही लीड में है और अनन्या पांडे और दैट अदर एक्टर हैज़ नो रोल, बट इन द सेकेंड हाफ दे डू हैव अ बिट ऑफ अ रोल टू। बट वेल, कमिंग बैक टू दीपिका पादुकोण, शी इज़ अ योगा टीचर एंड शी इज़ इन अ सिक्स ईयर रिलेशनशिप विद दिस गाय एंड इट्स नॉट वेरी गुड, यू नो विच हैपन्स विद एवरी वन। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सो शी इज़ नॉट हैप्पी इन हर रिलेशनशिप। द गाय इज़ अ राइटर एंड यू नो ही इज़ नॉट रियली डूइंग एनी थिंग इन हिज लाइफ, ही इज़ लाइक अ वेला एंड यू नो शी हैज़ टू पे द बिल्स एंड ऑल। तो वो बहुत ही थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है एंड देन शी मीट्स दिस गाय on a yacht who is hot, good looking, rich and you know they kind of instantly connect. बहुत थोड़ा सा स्टोरी काफ़ी फास्ट जाता है, विद इन लाइक 10 मिनट्स तो दे कनेक्ट विद ईच अदर एंड यू नो शी इज़ दिस हॉट योगा टीचर। वेल, उनको देख कर मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ, सच्ची बता रही हूँ। आई स्वेयर टू गॉड आई कॉल्ड माई योगा टीचर, शी वॉज लुकिंग सो फिट एंड सो गुड दैट एक्चुअली इट्स वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज पूरी मूवी बहुत ही गुड लुकिंग है बिकॉज इट्स अ धर्मा प्रोडक्शन। आई मीन आप सोच सकते हो कि गुड लुकिंग चेहरे, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, यू नो एवरी वन इज़ लुकिंग सो फिट एंड हॉट इन द फिल्म। And well, Shakun Batra, who is the director of the film, has done a good job. And this is a game changer for Bollywood. Bollywood mein ye film ek benchmark keh sakte hai because it's a different kind of a film. The flow of the film is good. The look of the film is very different. The director has tried to, you know, touch deeper emotions of a person. Aur real life mein aisa hota hai. You know, you might...
get attracted to people. You know, you might meet somebody and you know, you might get attracted to somebody. और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी दैट यू नो आई वॉज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड यही सब बातें हो रही थी. सो जनरली जब आपका पार्टनर किसी से बात कर रहा हो तो यू नो यू सॉर्ट ऑफ फील कि यार ठीक है सिर्फ बात ही कर रहा है ना, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है. बट वेल लेट मी टेल यू समथिंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट टॉकिंग. यस, सारी चीज़ें बातों से ही शुरू होती है और यहाँ भी बातों से ही सारी चीज़ें शुरू होती है. वेल दीपिका पादुकोण की कुछ यू नो डिस्टर्बिंग हिस्ट्री भी है इन द फिल्म, लाइक नॉट एक्चुअली इन द फिल्म. सो शी इज़ ऑलरेडी अ बिट डिस्टर्ब्ड एंड शी फाइंड्स कम्फर्ट विद दिस गाय एंड इवेंचुअली वॉट हैपन्स looks like a mistake. Yes, in the first half you might feel everything is lovely to watch but फिर धमाका होता है और क्या होता है इसके लिए तो आपको फिल्म ज़रूर देखनी पड़ेगी. There are a lot of twists and turns but I felt that you know things were not very glorified. काफ़ी चीज़ें conveniently हो जाती है, मतलब अब अनन्या पांडे है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका कहीं अफेयर चल रहा है तो काफ़ी टाइम तक उसको पता ही नहीं चलता है. ऐसा जनरली होता नहीं है. यू नो इट कुड हैव बीन मोर मिस्टीरियस, मोर डीपर. यू नो वो जो सरप्राइज एलिमेंट्स थे ना, वो सरप्राइज की तरह नहीं आ रहे थे, बस ऐसे ही आ रहे थे. सो आई फेल्ट दैट इट कुड हैव बीन मोर मिस्टीरियस देन वॉट इट वॉज. बट द फ्लो ऑफ द फिल्म इज़ गुड. द म्यूज़िक वॉज अमेजिंग. म्यूज़िक ऑफ द फिल्म वॉज to die for. I mean that kept you invested in the movie because that connected the emotions of the characters as well as the film. Given the music, and like I said, the music is to die for. The direction is excellent and like a very good looking film. जो film पे yacht था वो बहुत ही कमाल का था, जो सिद्धांत ने मतलब अपने business meetings के लिए रखा था. I mean he's that rich in the movie. And that is Zane. His character name is Zane, and Zane is going to be your favorite character once you watch the film. And trust me, he was so good that he is a very promising actor who seems to be considered as a lead actor now. You know, he's going to get some really good films after this movie. Amazon Prime pe ye film hai, aur well, agar film dekhni chahiye, nahi dekhni chahiye, film zarur dekhni chahiye. Film bahut achhi hai. कहीं कहीं स्लो हो जाती है, लाइक आई सेड यू नो इट्स मोर, इट्स क्वाइट टॉकटिव एंड इट्स मोर अबाउट इमोशंस ऑफ अ पर्सन. और दीपिका की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दैट शी इज़ वन एक्टर हु कैन रियली होल्ड अ इमोशन ऑन कैमरा. ज़्यादातर एक्टर्स यू नो बहुत कुछ करते हैं कैमरा पे, बट शी कैन एक्चुअली होल्ड अ इमोशन which is very good thing about the actor. उन्होंने बहुत अच्छा performance दिया है. performance तो खैर सबका बहुत ही अच्छा है, but main was Zane and Deepika Padukone. I think these two actors were in main lead. मैं नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर के बारे में भी कहूँगी that they were excellent in the movie. उनका performance as usual बहुत कमाल का था. So they have also supported the film quite well. It's a very young film, you know. तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को ये फिल्म इतनी पसंद आएगी. दैट्स वाई दे हैव नॉट रिलीज्ड इट इन सिनेमाज, इट इज़ रिलीज्ड ऑन अमेजॉन प्राइम, बिकॉज इसकी ऑडियंस काफ़ी अलग है. यंग जनरेशन की बात है, यू नो इट्स अ यंग स्टोरी. व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन सोसाइटी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बट यस, अ वेरी रिच क्लास सोसाइटी, जो हमेशा करण जौहर की फिल्मों में होता ही है. वो लोग गरीबी नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अमीरी दिखाते हैं. और इसमें भी बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल दिखाई है. सो वेल द लुक ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड. कुछ कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी स्लो और यू नो कहीं कहीं पे डक हो रहा था, लग रहा था थोड़ा बहुत खींचा है, बट स्टिल दैट्स ओके. इट्स स्टिल अ वॉचेबल फिल्म. और लव स्टोरी अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, मज़ा आएगा. मतलब आप देख सकते हो एक बार. और वेल आपको फिल्म कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए. और एक चीज़ मुझे याद आ रही है दैट देयर वाज दिस यॉट. ओके, यॉट पे काफ़ी सारे सीन्स हैं. मतलब यॉट इज़ वन ऑफ द मेन लोकेशंस ऑफ द फिल्म. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जनरली यॉट कोई और हैंडल करता है, मतलब जो ड्राइवर होता है वो कोई और होता है, पर यहाँ वो
खुद ही अपना यॉट चलाता है। सो आई डोंट नो, एक्चुअली होता होगा, मेरे पास आई डोंट ओन एन यॉट या मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रा बता दीजिए कि जनरली क्या यॉट हम खुद चला सकते हैं, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बिकॉज देर आर ऑलवेज दे आर चिलिंग एट द यॉट, बट दे आर ओनली टू कैरेक्टर्स एट द यॉट, और कोई हेल्पर या कोई ड्राइवर नहीं होता है यॉट पे हेल्प करने के लिए। सो वेल दैट वॉज इट। एंड अदर एक्टर्स के बारे में मैं कहूँगी कि उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब है बट ठीक है, बट दीज टू कैरेक्टर्स आर द मेन लीड ऑफ द फिल्म। एंड यस इट वॉज अ नाइस फिल्म, गुड गुड वन। सो दिस वॉज गहराइयाँ। एंड वेल यू टेल मी हाउ डिड यू लाइक द फिल्म, डू कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। और अपने रिकमेंडेशंस और रिव्यूज़ हमें ज़रूर भेजिए, क्योंकि मैं अकेले तो इतनी सारी फिल्में नहीं देख सकती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी फिल्म देखो और हमें रिव्यूज़ करके भेजो, सो दैट वी कैन शेयर इट विद एवरी वन। सो दिस वॉज फिल्मी पंचायत, एंड वेल सी यू सून।